अभी ग्लोबल बाजारों में जो हो रहा है वो सब अभूतपूर्व है और ऐसा कभी बदहवासी देखी नहीं गई थी, लेकिन पैनिक का लेवल इतना ज़्यादा है इसका अंदाज किसी को नहीं था और आज होश तब उड़ गए जबकि भारत के शेयर बाजार खुलते ही 10% के लोअर सर्किट पर जा करके नौबत ये आ गई कि उनको बंद करना पड़ा और उसके बाद पौन घंटे के बाद जब सर्किट हटा ट्रेडिंग दोबारा चालू हुई और बाजार तेज़ी से ऊपर आया। तो ऐसा हाहाकार और ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा गया था। आज शेयर बाजार में एक तरफ तो गिरावट जो हुई वो बड़ी भारी थी, 10% की थी, उसके बाद जो बाजार बंद हुआ है वो 4% बढ़ करके बंद हुआ है, लेकिन तब भी जो वीकली लॉस है वो भी 2009 के बाद का अभी तक का रिकॉर्ड लॉस है। 2009 की हमने बात की, लेकिन अगर हम बात करें पिछले दो महीने को जो हाई बना था उसके सामने भी अभी भारत के शेयर बाजार 20% नीचे चल रहे हैं। सबको पता है कि कोरोना के कारण पैनिक है, उसके कारण दुनिया भर के बाजार गिरे हुए हैं। यूएस का बाजार बुल रन में था और वहां पर भी बड़ी भारी गिरावट देखी गई है, इस कारण से एशिया के भी बाजार गिरे हुए थे, अब भारत में भी वही ट्रेंड चल रहा था। लेकिन जो बातें गौर करने की है ये क्यों हुआ अचानक, उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल अमेरिका का बुल रन जब खत्म हो रहा था तो अभी कोरोना के बारे में डिनायल के बाद जब राष्ट्रपति ट्रंप निकल करके आए और बोले कि यूरोप से लोगों का आना जाना, फ्लाइट्स का आना जाना मैं बंद कर रहा हूं, तो पैनिक और बढ़ गया। और ऐसे में एक जो शेयर बाजार में आजकल बड़े प्लेयर हो गए हैं जो डायरेक्शन तय करते हैं, उनको कहते हैं CTA फंड्स। वो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, वो खरीदते भी स्पीड से हैं, बेचते भी स्पीड से हैं, क्योंकि उसमें इंसान कुछ नहीं करता, सारा काम मशीनें करती हैं। तो पिछले दिनों में एल्गो फंड्स लगातार स्पीड सेलिंग कर रहे थे, उनको वो करना ही था गिरते हुए बाजार में, उनके टारगेट्स तय थे कि कहां उनको बेच करके निकल जाना है। उस कारण से जो बाजार के बारे में S&P 500 के बारे में गोल्डमैन सैक्स जैसी एजेंसियों का प्रेडिक्शन था कि ये 2-3 महीने में जाकर के 2450 का लेवल देखेगा, वो लेवल इसी हफ्ते देख लिया, उस वजह से एकदम जबरदस्त सेलिंग आई और उसका असर सारे बाजारों पर देखने को मिला। यहां भी वही सेलिंग हुई और जब ये सर्किट लग गया और उसके बाद जब बाजार दोबारा खोला गया तो जाहिर है कि भारत के म्यूचुअल फंड्स और हो सकता है कि जो देश के सरकारी वित्तीय संस्थान हैं, जब भी ऐसा पैनिक सेलिंग होती है तो बाजार को संभालने के लिए सबसे पहले वो आगे आते हैं और उन्होंने खरीदा और फिर तेजी से बाजार रिकवर कर गया। इसका मतलब यह हुआ कि अभी यह पैनिक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं से यह बाजार को एहसास मिल रहा है बहुत सारे लोगों को कि यहां से शायद बॉटम बन गया है। उसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका में फेड रिजर्व पिछले दिनों लगातार बाजार में पैसा छोड़ रहा था, वो लिक्विडिटी की कमी ना हो जाए इसका पूरा बंदोबस्त कर रहा था और पिछले दो दिनों में $500 बिलियन के दो इंस्टॉलमेंट उसने लिक्विडिटी के लिए दिए और ये कह करके दिए कि ये बॉन्ड खरीदने के लिए है और इक्विटी मार्केट में ये पैसा चला जाए, ये सोच करके उन्होंने दिया। तो जाहिर है कि अब बाजार में पैसा है और अब लोग वहां पर खरीदने की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का अनुमान है। भारत में जाहिर है कि यही कहा जा रहा है कि पिछले दिनों की जो गिरावट थी, कोरोना के बारे में अभी किसी को पता नहीं है, तो जो 2-3 महीने के बाद का बॉटम आउट होना चाहिए था जून का, वो यूएस ने तो अभी कर दिया मार्च महीने में, तो हो सकता है कि यहाँ से बाजार अब जो है डायरेक्शनली मूव कर जाए। लेकिन ये बात कोई सर्टेनिटी से कह नहीं रहा है, कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि ये जो चीज़ें इस वक्त दुनिया भर में हो रही है फाइनेंशियल सिस्टम में, इसका किसी को अनुमान नहीं है कि ये क्यों हो रही है, क्योंकि इसका कोई पैरेलल नहीं है पीछे की तरफ। इस बार अब जो बात जहाँ पर करके रुकती है वो ये है कि जो सेंट्रल बैंक्स कोऑर्डिनेटेड एक्शन कर रहे हैं उसमें भारत क्या कर रहा है। तो अच्छी बात ये है कि भारत भी सतर्क हो गया है और यहां के RBI ने भी बाजार में डॉलर की कमी ना हो जाए, क्योंकि विदेशी निवेशक यहां पर बेच करके डॉलर लेकर के जा रहे थे, आउटफ्लो था, और वैसे में रुपए की कमी होने की भी संभावना ना हो जाए, उसके लिए रेपो परचेज के लिए भी कह दिया बैंकों को कि RBI के पास अभी 25,000 करोड़ रुपए का एक एक्स्ट्रा फंड हम जुटा रहे हैं, आपके पास अगर लिक्विडिटी है तो हम उसको सक कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम आपको दे भी देंगे। तो यहां RBI भी लिक्विडिटी का ध्यान रख रहा है। सरकार ने भी अपनी तरफ से ये संकेत साफ दे दिए हैं कि जहां जहां जरूरत पड़ेगी, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए हम लगातार कदम उठाते रहेंगे।
ऐसे में शेयर बाजार में निवेशकों को क्या करना चाहिए? जो ट्रेडर हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जोखिम भरा खेल है, उस पर मैं कैपेबल भी नहीं हूँ, क्वालिफाइड भी नहीं हूँ कि आपको एडवाइस दे सकूँ। लेकिन जो रिटेल निवेशक हैं, जो छोटे निवेशक हैं, ऐसे ही सैलरी की बढ़त नहीं हो रही, कमाई कम है और फिक्स डिपॉजिट वगैरह के ब्याज भी इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण कम होते जा रहे हैं, ऐसे में इस पैनिक में सब लोग पहले कह रहे थे कि बिल्कुल खरीदने का वक्त नहीं है, खरीदिएगा मत। लेकिन आज जो बाजार में एक्सपर्ट आए हैं उनकी सलाह क्या है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा कैश लगाने का वक्त आ गया है, लेकिन डायरेक्ट मार्केट में नहीं, नए लोगों को डायरेक्ट मार्केट में नहीं आना चाहिए, और जो मार्केट में पहले से हैं उनको भी डायरेक्ट इक्विटी के बारे में अभी कॉशस रहने की सलाह है। जब तक कि उनको खुद को बहुत अच्छी स्टडी नहीं है कि कौन से अच्छे शेयर खरीद सकते हैं, तब तक उनको दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जिनकी पुरानी SIP है उनको अब अपने पैसे वहां और बढ़ा देने चाहिए। हो सकता है बाजार थोड़ा यहां से गिर जाए, लेकिन बाजार किस बॉटम पे जाएगा वो बॉटम कभी आम निवेशक तो पकड़ नहीं पाते, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी यहां से अगर आप SIP में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो वो गलत नहीं होगा। अगर आपको नया SIP खरीदना है और पहले से इन्वेस्टेड नहीं है, तो ऐसे में जाहिर है कि इंडेक्स फंड जो हैं वो सबसे सेफ होंगे, वही लेना चाहिए। एक्सपर्ट लोग ये भी बताते हैं कि इसके अलावा अगर आपको देखना हो तो जो ब्लू चिप है, लार्ज कैप और मिड कैप के चुने हुए अच्छे वाले फंड, जिनके बारे में हमको एक प्रकार की क्रेडिबिलिटी का एहसास है, ऐसे ही फंड्स के कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी SIP के जरिए इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक चीज और हुई, जब रुपया आज कमजोर हो गया डॉलर के सामने और करीबन 75.5 रुपये प्रति डॉलर का दाम आ गया, तो वहां पर भी RBI के इंटरवेंशन ने रुपये को भी थोड़ा सा संभाला। हालांकि लोग ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में रुपया शायद डॉलर के मुकाबले और कमजोर होगा, और उसमें कोई बहुत गलत बात नहीं है, लेकिन इस वक्त बाजार में पैनिक न हो जाए इसके लिए भी रुपये को भी संभालने की RBI एक तरीके से इनडायरेक्ट कोशिश कर रहा है। जो आज बाजार में तेजी आई थी उसके पीछे एक बात ध्यान देने की है कि चूंकि यहाँ पर मंदड़िया मार्केट बन गया था तो लोगों ने शॉर्ट सेल करके रखा था। एक पैनिक की सेलिंग हुई थी, एक पहले से प्लान्ड सेलिंग हुई थी, और फिर इस शॉर्ट सेलिंग के कारण जो बहुत तेज़ गिरावट आई और उसके बाद जब बाजार दोबारा खुला और तेज़ी से ये ऊपर जाने लगे, तो बहुत संभव है कि बहुत सारे मंदड़िया खिलाड़ी इसमें ट्रैप हो गए हों, क्योंकि वो शॉर्ट कवरिंग की कोशिश कर रहे थे और बाजार ऊपर लगातार तेज़ी से भागता जा रहा था। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या हम लोग बाकायदा बियर मार्केट के फेज में आ गए हैं, लेकिन एक बात तो सही है कि अमेरिका हो या भारत या कोई भी दूसरे एशियाई देश, सबकी सरकारों को और सेंट्रल बैंकर्स को यह एक अंदाज पूरी तरह से हो गया है 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में अपने हाथ जलाने के बाद, कि अगर आप क्विक एक्शन नहीं करेंगे, थोड़ा भी हिचकेंगे, तो आप अपनी ही इकोनॉमी को और अपने ही फाइनेंशियल सिस्टम्स को और बहुत कमजोर कर रहे होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत सरकार भी यही संकेत दे रही है कि अब वो बिल्कुल इंटरवीन करने के लिए जहां जरूरत पड़ेगी वहां रेडी है, बहुत प्रोएक्टिव नहीं है लेकिन कम से कम रिस्पॉन्ड तो करेगी ही। इसी तरीके से अगली नजर रहेगी इस बात पे कि RBI का जो रेट कट है वो करीब करीब आप मान के चल सकते हैं कि वो रेट कट होने वाला है। इसी तरीके से यस बैंक की भी एक जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए एक रिजोल्यूशन प्लान सरकार ने सामने रख दिया है, और कोशिश यह है कि यस बैंक में SBI के अलावा और इतने सारे इन्वेस्टमेंट लेकर के लोग प्लेयर्स आ जाएं ताकि एक क्रेडिबिलिटी बन जाए, और उसके बाद ये बैंक जो है बिल्कुल ठीक तरीके से चलने लग जाए और जो पिछला ओवरहैंग था, बहुत ही निगेटिव, बहुत ही खराब, बहुत ही क्वेश्चनेबल, वो उसमें से दूर हो जाए। तो बेसिकली इस वक्त सरकारें, इंक्लूडिंग भारत की सरकार और रिजर्व बैंक, वो कोशिश कर रही है कि यहां के पैनिक को संभालने की कोशिश की जाए। कोरोना का इम्पैक्ट क्या होगा अभी किसी को पता नहीं है और इस बारे में कोई भी गेसवर्क करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक जो राय हमने दी लोगों से बात करके वो ये है कि कोरोना का जो इम्पैक्ट था वो पॉसिबल है कि ये जो महम हुआ है, ये जो खून खराबा हुआ है, इसमें शायद वो कैप्चर हो गया और जो बॉटम आउट होना था वो हो गया, खास करके अमेरिकी बाजारों के बारे में ये कहा जा रहा है। तो पॉसिबल है कि यहाँ से बाजार और गिरे, पॉसिबल है कि न गिरे, इसलिए ट्रेडिंग वाले में, रिस्क वाले एरिया में हमारे जैसे लोगों के जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो लोग बाज़ार में सोचते थे कि बाज़ार बढ़ गया, हम आए नहीं, अब जब नीचे गिरावट होगी तो किसी दिन हम इसमें एंट्री मारेंगे, उनके लिए ये वक्त सही है बाज़ार में एंटर करने का। इतना पैनिक है और इतनी निराशा है, तभी तो दरअसल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है एक ढंग का वेल्थ क्रिएट करने की, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, 2-4 महीने के हिसाब से नहीं,
लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक साल, दो साल, तीन साल के लिए इस वक्त जिस तरह का बाजार फॉर्म हो गया है, वहां बिल्कुल कॉशस ढंग से थोड़ा थोड़ा निवेश करने का प्लान आप अगले दो तीन महीने का बना के धीरे धीरे रैंप अप कर सकते हैं। जाहिर है कि पूरा पैसा, जो भी इन्वेस्टेबल सरप्लस आपके हाथ में हो, एक साथ नहीं लगाना चाहिए और कुछ कैश अपने हाथ में हमेशा रखना चाहिए ताकि और गिरे तब लगा दें या थोड़ा बहुत बढ़ा तो उसके बाद भी आप लगा पाएं।